ये है आज का देखो ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट। एक्चुअली ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट मतलब बेसिकली जैसे फिगर देखो नीचे की, तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस डिस्क टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, सर्कुलर डिस्क टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के कोलाइड हो गए, है ना। देखिए एक एम वन मास का डिस्क डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, मास एम वन की डिस्क, और एक मास एम टू की डिस्क है जो एक यू वन वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा यू टू वेलोसिटी से किसी और डायरेक्शन से आ रहा था, और ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए। ये है क्वेश्चन कि दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स डिस्क टाइप के या फिर किसी और ज्योमेट्री के भी हो सकते हैं, सर्कुलर जरूरी नहीं है, स्क्वायर शेप भी हो सकता है, कोई भी टेरिका हो सकता है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेवल करते हुए किसी पॉइंट पर कोलाइड करेंगे, और उसके बाद हमें फाइंड करना है कि इनकी आगे क्या वेलोसिटीज बनेंगी। इसको कह रहे हैं ऑब्लिक सेंट्रल कोलिजन। तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडीज परफेक्टली स्मूथ हैं, फ्रिक्शन अभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, और फ्रिक्शन वैसे भी हमारे सिलेबस में है भी नहीं। मैं आपको क्लियर बता दूं, स्मूथ ऑब्जेक्ट्स मान के ही चलना है आपको, फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट बहुत रेयर आता है। रेयर का मतलब भाई पिछले जेई की हिस्ट्री में तो फिलहाल कभी आया नहीं अभी तक। तो स्मूथ ऑब्जेक्ट्स ये मान के चले अगर तो कंसेप्ट क्या कह रहा है, ये पॉइंट लिखा है, लेकिन ये पॉइंट अभी इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा जब तक कोई एग्जाम्पल ना करेंगे, तो मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा अभी। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, इनकी अलग अलग डायरेक्शन थी यू वन यू टू। ये तो आपके लिए वर्किंग स्टेप्स मैंने बता दिए हैं कि क्या करना चाहिए आपको, नोट्स के लिए, नोट्स तुम्हारे तैयार रहे। तो पॉइंट नंबर वन में क्या करना पड़ेगा तुमको इस टाइप का, जब भी कोई कोलिजन हो तो पॉइंट नंबर वन में एक काम करिएगा, आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, चूज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें एक कॉमन नॉर्मल की लाइन बनाओगे जिसको एन एक्सिस कह रहे हैं, और एक कॉमन टेंजेंट को बनाओगे जिसको टी एक्सिस कह दो। मतलब जैसे जनरली आप x एक्सिस और y एक्सिस की बात करते हो, तो यहाँ पर हम दो अलग अलग एक्सिस की बात कर रहे हैं, n एक्सिस और t एक्सिस, नॉर्मल और टेंजेंट। और नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ कहाँ पे करने हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, जहां पर दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, POC कह दीजिए इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एक लाइन ड्रॉ करिए जो दोनों ऑब्जेक्ट्स का कॉमन टेंजेंट है, और वहीं पर एक लाइन ड्रॉ करो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स की सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, C1 C2 से पास करे, तो उसको हम कॉमन नॉर्मल भी कह रहे हैं। ये जो कॉमन नॉर्मल है, इसी को कहीं कहीं पर लाइन ऑफ इंपैक्ट भी कहा जाता है। कॉमन नॉर्मल को ही आप लाइन ऑफ इंपैक्ट वर्ड डिनोट कर सकते हो, और इंपैक्ट वर्ड का मतलब जो ये है, इंपैक्ट को अगर हम ब्रेक करके देखें तो इसका इसके इसके इस वर्ड में ही इसका आंसर भी छुपा हुआ है। इंपैक्ट वर्ड के मीनिंग में इसका मतलब भी छुपा हुआ है कि इसका क्या मतलब है। इम्पैक्ट मतलब इम्पल्स और प्लस एक्शन, इम्पल्स का एक्शन, मतलब जिस लाइन पर इम्पल्स का एक्शन होगा उसको आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह रहे हो। इम्पैक्ट वर्ड एक्चुअली बना भी यहीं से है, IMP और ACT को मिला करके, यानी इम्पल्स की एक्शन कॉमन नॉर्मल पर। अब इम्पल्स होता है एक बहुत बड़ी फोर्स बहुत कम टाइम के लिए काम कर रही है, तो जो कॉमन नॉर्मल है वो हमारे लिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, मतलब कि इम्पल्स उस लाइन पर लगेगा, यानी कि मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। सेकंड नंबर पॉइंट यहां से ले रहे कि इफ कोलाइडिंग बॉडीज आर परफेक्टली स्मूथ, जो ऊपर से मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि हम स्मूथ बॉडीज की अगर बात करें तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, ओनली इम्पल्सिव फोर्स विच द पार्टिकल्स विल एग्जर्ट ऑन ईच अदर विल बी द कॉमन नॉर्मल। वह दो सर्फेसेस जब कॉन्टेक्ट में आती हैं तो दो ही तरीके के फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ लगता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है, फ्रिक्शन यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे। और इम्पल्स यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम, थ्योरम कहते हैं कि इम्पल्स का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जिस लाइन पर इम्पल्स होगा मोमेंटम भी उसी लाइन पर चेंज करेगा, और जिस लाइन पर इम्पल्स नहीं होगा उस लाइन पर मोमेंटम की कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसको ना पॉइंट नंबर थ्री में यूज किया जा रहा है, पॉइंट नंबर थ्री में द कंपोनेंट अलोंग, सुनना यहां पर, कंपोनेंट अलोंग टी एक्सिस मतलब टेंजेंट वाली एक्सिस पर ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल कंसीडर्ड सेपरेटली इज कंजर्व्ड। क्या रीजन हो सकता है इसका, टेंजेंट एक्सिस पर इंडिविजुअल मोमेंटम भी चेंज नहीं करेंगे, कंपोनेंट अलोंग टेंजेंट एक्सिस ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल क्या रीजन होगा इसका, अभी ऊपर समझाया इसका रीजन होता है।
बोलो स्मूथ सर, स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा टेंजेंट के अलोंग, वहां पे कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा उधर। इसका मतलब टेंजेंट एक्सिस के अलोंग, अभी मैं फिर से एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा इसको, मतलब टेंजेंट एक्सिस के अलोंग इनके वेलोसिटी के पहले वाले कंपोनेंट और टेंजेंट एक्सिस के अलोंग इनकी वेलोसिटी के बाद वाले कंपोनेंट, चेंज नहीं होंगे। टेंजेंट एक्सिस के अलोंग, फिर से बोल रहा हूँ, टेंजेंट, आवाज चली गई। हाँ फिर से बोल रहा हूँ, टेंजेंट एक्सिस के अलोंग, फिर से बोल रहा हूँ, टेंजेंट एक्सिस के अलोंग, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड रुको, अच्छा रिपीट कर रहे हैं, देखो मैं बार बार स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि जो टेंजेंट वाली एक्सिस होगी वहां पर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी के कंपोनेंट कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद चेंज नहीं करनी चाहिए आपके। रीजन उसका है क्योंकि टेंजेंट एक्सिस पर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं हो रही। और पॉइंट नंबर फोर मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल एक्सिस ऑफ टोटल मोमेंटम, कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल एक्सिस ऑफ टोटल मोमेंटम, यहां पर टोटल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, कि यहां पर इंडिविजुअल मोमेंटम तो चेंज होगा, नॉर्मल एक्सिस पर इंडिविजुअल वेलोसिटीज बदल जाएंगी लेकिन टोटल मोमेंटम यहां पर भी कंजर्व रहोगे। और ऊपर वाले पॉइंट में आपसे सेपरेटली बात की गई है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की टेंजेंट एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ये चारों पॉइंट्स एक बार रीड करो आप। ये चारों पॉइंट्स रीड करो। और पांचवा पॉइंट ये कह रहे हैं, पांचवा पॉइंट जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कि इसको अप्लाई करने के लिए जो वेलोसिटी यूज करेंगे वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इसको यूज करने के लिए वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल यूज करिए। तो मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ यार आपको, एग्जाम्पल करके दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। करें एग्जाम्पल बताएं आपको, जी सर। देखो ये एक क्वेश्चन मैंने फिलहाल तो एचसीवी का ही लिया हुआ है, एचसीवी का ही क्वेश्चन है और एक्चुअली उसी के लिए थ्योरी भी थी। इसमें 64th क्वेश्चन है एचसीवी का, ये मोमेंटम वाले चैप्टर का, ठीक है 64th। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें कह रहे हैं अ स्मॉल पार्टिकल ट्रेवलिंग विथ, ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, आपकी स्मॉल पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ पर विथ अ वेलोसिटी वी, कोलाइड्स इलास्टिकली, पहली बात तो इन्होंने कोलिजन को इलास्टिक कह दिया है, और वो कोलाइड कर रहा है स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास, इक्वल मास, इक्वल मास एंड ऑफ रेडियस आर, इनिशियली केप्ट एट रेस्ट। मैंने क्वेश्चन यहां से लिया है बच्चा, लेकिन हम करेंगे इसको जनरलाइज, मैं इनके बाद में करेंगे इसको, और बाकी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लो क्या कह रहे हैं वो, बाकी जो उन्होंने कहा है उसको ध्यान से पढ़ लिया जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब एचसीवी का मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट या लास्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन है ये मोमेंटम वाले चैप्टर का, तो हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके आपको दिखाते हैं देखो क्या होगा इसमें। तो इसमें इन्होंने कहा है कि एक पार्टिकल कोलाइड हुआ, अभी हम एक काम करेंगे पार्टिकल की जगह हम थोड़ा सा ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट मान के दिखाते हैं आपको, पार्टिकल तो नहीं बनाएंगे, सो दैट कि आप क्लैरिटी के साथ समझ पाओ इसको, और इसी क्वेश्चन को जनरलाइज करके लर्न करो आप, मतलब इस क्वेश्चन को ना जैसा ये कह रहे हैं वैसा मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इलास्टिक कहा है, हो सकता है कहीं पर ये इनइलास्टिक हो, या हो सकता है कहीं पर कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो, तो किसी भी बुक को लगाया करो तो उसको जनरलाइज डिस्कशन में चले जाओ। देखिए पहला स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, जो दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड हुई हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो जो लाइन दोनों के लिए नॉर्मल का काम करे, यानी दोनों के सेंटर से पास हो, पहला स्टेप, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों के टेंजेंट हो, दोनों का कॉमन टेंजेंट, अभी जो पीछे वर्किंग लिखी है वही वर्किंग आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो एक लाइन हम लोगों ने कह दिया ये नॉर्मल लाइन हो गई, और एक लाइन हम लोगों ने कह दिया ये टेंजेंट लाइन हो गई, एक तरीके से ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक नॉर्मल एक्सिस और एक टेंजेंट एक्सिस। अब मतलब पहले सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे नॉर्मल और टेंजेंट की तरफ, ठीक है ये एक एग्जांपल है, इसके इसके सिमिलर और क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वर्किंग मेथडोलॉजी यही रहेगी चाहे क्वेश्चन कोई भी हो,
करने का तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का, टेंजेंट एक्सिस और नॉर्मल एक्सिस। इसके बाद कोलिजन से पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन, जो वेलोसिटीज आपको दी गई हैं उनको रिजॉल्व करिए टेंजेंट एक्सिस की तरफ और नॉर्मल एक्सिस की तरफ। फिर से बोल दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा टेंजेंट एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस, पहला स्टेप ये करोगे। इसको ड्रॉ करने के बाद जो वेलोसिटी कोलिजन से पहले दी गई है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, उसको देखते हुए उसके कंपोनेंट्स करेंगे टेंजेंट एक्सिस की तरफ और नॉर्मल एक्सिस की तरफ। तो उसके लिए क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन से पहले आपको क्या दिया गया है कि इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट के पास क्या वेलोसिटी है, क्या डायरेक्शन है उसका, तो उसकी वेलोसिटी वी है और डायग्राम के हिसाब से वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी दिखाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, छोटे वाले की वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी वी, इसकी दिखाओ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्वेश्चन के हिसाब से। और जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी की बात करें, हम छोटे वाले को m1 मान रहे हैं और बड़े वाले को m2 मान लेते हैं, जनरलाइज करके बाद में हम इक्वल मास कर देंगे। यहाँ पर इन्होंने इक्वल मास किया है लेकिन मैं जनरलाइज सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो m2 वाला जीरो वेलोसिटी पर है, m2 रेस्ट पर है क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, ठीक है, कैप्ट एट रेस्ट। तो पहला स्टेप काम करो ना, पहले इसे v को रिजोल्व करेंगे, स्टेप नंबर वन वेलोसिटी को रिजोल्व करेंगे। और वेलोसिटी को रिजोल्व करके आप ये पता लगाओगे कि उस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट टेंजेंट वाली डायरेक्शन में जाएगा और कितना कंपोनेंट उसका नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगा, ये काम करना है आपको, वेलोसिटी को रिजोल्व करना है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी नॉर्मल वाली लाइन से थीटा एंगल पर है, तो उसका कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में वी कॉस थीटा हो जाएगा और टेंजेंट की डायरेक्शन में वी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले टेंजेंट और नॉर्मल की एक्सिस बनाएंगे, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू में जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट नॉर्मल एक्सिस पर, और एक कंपोनेंट टेंजेंट एक्सिस पर। अब आते हैं कोलिजन के बाद, अब आप आइए कोलिजन के बाद वाली सिचुएशन में, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब आप इसमें ये वाला पॉइंट यूज करो, पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री कह रहा है कि अगर आप सेपरेटली बॉडीज को कंसिडर करें, बॉडीज को सेपरेटली कंसिडर करिए, तो जो टेंजेंट वाली एक्सिस पर उनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एज इट इज रहने चाहिए। तो टेंजेंट वाली एक्सिस पर m1 की वेलोसिटी कोलिजन से पहले कितनी थी, तो फिगर को देखो, m1 की वेलोसिटी टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल कोलिजन से पहले v साइन थीटा है, तो थ्योरी कह रही है कि ये अभी भी v साइन थीटा रहेगा, मतलब इवन कोलिजन के बाद भी टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल में m1 की वेलोसिटी v साइन थीटा के बराबर ही रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। और m2 वाली बॉडी की, क्योंकि उसकी तो वेलोसिटी जीरो है, तो उसकी टेंजेंट एक्सिस पर भी जीरो कंपोनेंट है और नॉर्मल एक्सिस पर भी जीरो कंपोनेंट है, दोनों तरफ जीरो जीरो है, तो जो भी है वो ऐसा ही रहेगा, मतलब इसका टेंजेंट एक्सिस पर जीरो, क्योंकि पहले जीरो था अभी भी जीरो होगा, ये आपने थर्ड पॉइंट को यूज किया है। आई बात समझ में यहां तक? जी सर, है ना, स्लोली चल रहे हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट, नॉर्मल एक्सिस पर वेलोसिटीज बदल जाएंगी लेकिन टोटल मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। तो हम नॉर्मल एक्सिस की तरफ, नॉर्मल एक्सिस की तरफ m1 की जो वेलोसिटी है, m1 नॉर्मल एक्सिस की तरफ m1 की वेलोसिटी, उसको v1n मतलब नॉर्मल, और दूसरे m2 की वेलोसिटी नॉर्मल एक्सिस पर बदल करके v2n कर देते हैं। अब इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, तो इक्वेशन ये बनेंगी कि नॉर्मल एक्सिस की तरफ जितना मोमेंटम पहले था पूरे सिस्टम के पास, उतना ही मोमेंटम पूरे सिस्टम का नॉर्मल एक्सिस पर कोलिजन के बाद में भी रहेगा। तो कोलिजन से पहले नॉर्मल एक्सिस की तरफ m1 मास के पास मोमेंटम था और वो मोमेंटम था m1 मल्टीप्लाइड बाय उसकी नॉर्मल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v cos थीटा, बाद में m1 और उसकी नॉर्मल एक्सिस की वेलोसिटी v1n, m2 और उसकी नॉर्मल एक्सिस की वेलोसिटी v2n। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की।
और दूसरा हम लोगों ने ये कहा था कि जो रेस्टिट्यूशन होता है, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसकी जो डेफिनेशन दी गई है आपको, इसको सुनना ध्यान से आप, क्योंकि यहाँ का बना हुआ कंसेप्ट रोटेशनल मैकेनिक्स में भी काम करेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता था रिलेटिव स्पीड कोलिजन के बाद, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। इस डेफिनेशन को यहाँ पर मॉडिफाई किया जा रहा है, इस डेफिनेशन को ऑब्लिक कोलिजन में मॉडिफाई किया गया है, और ये कह दिया गया है कि ये कंसेप्ट तो लगाएंगे लेकिन इस कंसेप्ट में आपको नॉर्मल एक्सिस की वेलोसिटी को यूज करना होगा। ये मॉडिफाइड डेफिनेशन हो गई है। तो हमारे नॉर्मल एक्सिस की अगर हम बात करें, नॉर्मल एक्सिस की, तो नॉर्मल एक्सिस पर बाद की जो रिलेटिव स्पीड है नॉर्मल एक्सिस की तरफ, वो लिखा जाएगा वी टू एन माइनस वी वन एन नॉर्मल एक्सिस की तरफ, और कोलिजन से पहले की रिलेटिव स्पीड नॉर्मल एक्सिस की तरफ वो लिखी जाएगी वी कॉस थीटा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। मतलब कुल मिलाकर के जो काम आपने हेड ऑन कोलिजन में किया था वही काम यहां भी कर रहे हो, लेकिन वेलोसिटीज में नॉर्मल वाले कंपोनेंट को यूज करके, टेंजेंट वाले कंपोनेंट इग्नोर करके, नॉर्मल वाले कंपोनेंट कंसिडर करके, और वही इक्वेशंस यहां पर बनाई जाएंगी जो हम लोगों ने हेड ऑन में बनाई थी। सर, हाँ सर, तो क्या मतलब इसका, ये कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड सिर्फ उन केसेस में कंसीडर करेंगे जहां पे रिलेटिव मूवमेंट की जो पाथ होगी वो उनके सेंटर ऑफ मास को जॉइन करने वाली लाइन से कोइंसाइड करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो हेड ऑन हुआ ना। अब इसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, तो ये मैंने जनरलाइज इक्वेशन बनाई है तुम्हें, जनरलाइज इक्वेशंस, इनके इनके थ्रू आप अपना आंसर लाओगे। सर, हाँ सर, माइनस भी लगेगा सर, रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन अपॉन, नहीं नहीं, स्पीड मानी है, स्पीड में तो हम लोगों ने ध्यान से देखो ना, ऊपर ऊपर टू विथ रिस्पेक्ट टू वन लिखा है और नीचे वन विथ रिस्पेक्ट टू टू लिखा है, तो वो माइनस नहीं लगाते इसमें। ओके सर, स्पीड स्पीड है ये स्पीड, इसमें हमेशा पॉजिटिव टर्म होना चाहिए दोनों तरफ। तो फिलहाल तो मैंने जनरलाइज सोल्यूशन आपको दिया है, जनरलाइज सोल्यूशन दे करके आपको मैंने अपना आंसर बता दिया कि क्या रिजल्ट आएगा इन जनरल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्चुअली आप इन जनरल सॉल्व किसके लिए करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके निकालना क्या है, तो सॉल्व फॉर आपको वी वन एन की वैल्यू निकालनी है और वी टू एन की वैल्यू निकालनी है, इनको सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ वी वन एन और वैल्यू ऑफ वी टू एन। है ना, बोलो ठीक है यहाँ तक? यस सर, जी सर, यस सर। और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी मेहनत कर पाओ भी, अगर अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ सॉल्व करने की, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ कुछ रिजल्ट इसका याद आ रहा है, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे पता नहीं सही है कि नहीं। शायद ये वन प्लस ई टाइम्स एम वन, एक बार वेरीफाई करना आप लोग भी, और ये एम वन प्लस एम टू, और मेरे ख्याल से वी कॉस थीटा, लेकिन तुम लोग जरा पर ऊपर से वेरीफाई करना यार इसको, हमने मैं थोड़ा सा कुछ कुछ याद आ रहा है मेरे को, एम वन माइनस ई एम टू, और यहाँ पर शायद एम वन प्लस एम टू और इंटू वी कॉस थीटा। आप कंफर्म करना यार, कंफर्म कर लेना इसको, मेरे को जितना याद आ रहा है कि शायद यही आंसर आता है, ये याद करने के लिए नहीं है, ये आपके आंसर को याद नहीं करना है इसमें। यही आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब इनके क्वेश्चन में अगर इनके, ठीक है ना, इनके क्वेश्चन की बात करें तो इनका क्वेश्चन कैसे करोगे, मतलब ये तो जनरल बताया मैंने तुम्हें, इन जनरल मतलब इसी क्वेश्चन को अगर हम मॉडिफाई कर दें, बिकॉज जेई और क्या कर रहा है भाई, एचसीवी के ही क्वेश्चन या एरिडो के ही क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते हैं वो लोग, क्वेश्चन तो वो यहीं से लेते हैं, बस उसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। तो अब इनके क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन है और सेम मासेस है, यानी इनके क्वेश्चन के हिसाब से ई की वैल्यू को वन करना है और एम वन बराबर एम टू करना है,
तो क्या आंसर बन जाएगा, आप देख लो, ई को वन करके और एम वन बराबर एम टू कर दो, तो वी वन एन जीरो नहीं आ जाएगा जी सर, है ना, वी वन एन जीरो आ जाएगा और वी टू एन वी वी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। और ये वैसे भी एक्सपेक्टेड था मुझे, ये वैसे भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब सेम मास होंगे और इलास्टिक कोलिजन होगा, सेम मास और इलास्टिक कोलिजन, तो ये आपने पहले भी पढ़ रखा है कि सेम मास और इलास्टिक कोलिजन जब हेड ऑन में हुआ था तो क्या बनता था उसमें, अगर आइडेंटिकल मासेस में तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ऑब्लिक कोलिजन हेड ऑन कोलिजन के सिमिलर ही है, बस नॉर्मल एक्सिस पर ध्यान देना है आपको, टेंजेंट एक्सिस की तरफ नहीं देखना है। तो नॉर्मल एक्सिस पर वो सारे रिजल्ट्स आएंगे जो हेड ऑन कोलिजन में आए थे, और इसीलिए नॉर्मल एक्सिस की m1 की वेलोसिटी v cos थीटा और नॉर्मल एक्सिस के m2 की वेलोसिटी जीरो, ये एक्सचेंज हो गई, तो जो m2 की नॉर्मल एक्सिस की जीरो थी वो m1 के पास पहुंच गई, यानी m1 की नॉर्मल एक्सिस जीरो हो जाएगी, और m1 की नॉर्मल एक्सिस v cos थीटा वो एक्सचेंज करके m2 के पास पहुंच जाएगी, m2 की नॉर्मल एक्सिस v cos थीटा आ जाएगी, जो कि यहां पर प्रॉपरली प्रूफ भी हो रहा है सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू, जनरलाइज अप्रोच में प्रूफ भी कर सकते हो इसको। ये बात मैं पहले कह सकता था कि डायरेक्टली कर लेते हैं क्वेश्चन को, बट जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसका जनरलाइज सॉल्यूशन दिया है ताकि यहां से भी आप कंफर्म कर पाओ। सर सर इस वाले क्वेश्चन में इस लाइन का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज लोकेटेड, वो बता रहे हैं वो एक्चुअली थीटा निकालने के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा दिया नहीं है, वो थीटा की कैलकुलेशन के लिए है। उस लाइन का मतलब थीटा भी तो निकालना है अभी, तो वो थीटा निकालने का पार्ट अलग से दिखा रहे तुम्हें, थीटा कैसे निकालोगे, तो देखिए उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेट करना है। अब उसका उसके थीटा की वर्किंग अलग से दिखाते हैं तुम्हें, थीटा कैसे निकलेगा। तो थीटा के लिए ना हमारे को नॉर्मल लाइन दी गई है, मतलब हमने जो नॉर्मल लाइन बनाई है वो ऐसे बनाई थी, और जो बॉडी थी वो इसको टच करके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चल रही थी, यहां से इसकी वेलोसिटी वी हॉरिजॉन्टल थी, तो हमें ये एंगल भी तो निकालना है, यानी थीटा एंगल। तो इस थीटा को निकालने के लिए तुमको दे रखा है कि जो वेलोसिटी है ना उसका डिस्टेंस दे रखा है, वेलोसिटी की जो लाइन है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है ये दे रखा है तुमको, तो वेलोसिटी की लाइन सेंटर से रो डिस्टेंस पर है, यानी कि ये डिस्टेंस तुमको रो दिया हुआ है, और इसका रेडियस आर दिया हुआ है, तो ये इसलिए दिया है ताकि आप इसे ट्रायंगल की हेल्प से, जो राइट एंगल बन रहा है इसकी हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू निकाल पाओ। तो साइन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से दिख रही है आपको, रो डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, और साइन थीटा निकालोगे तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, रूट ऑफ वन माइनस रो स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये पर्पस तो दूसरा है, ये जो लास्ट की लोकेशन आप देख, आखिरी की तीन लाइनें पढ़ रहे हो, आखिरी की दो लाइनें, ये तो बेसिकली थीटा को थीटा निकालने के लिए दिया गया है। बोल जल्दी बताओ, वर्किंग समझ में आई है इसकी भी आपको? जी सर। यस सर। है ना, मतलब स्टेप्स ध्यान रखना, बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन उसका पर्पस मेरा ये था कि ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऑब्लिक कोलिजन, तो वर्किंग मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए वो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले टेंजेंट एक्सिस नॉर्मल एक्सिस को बनाना है, उसके बाद वेलोसिटीज को रिजोल्व करना है कोलिजन से पहले वाले में, फिर टेंजेंट एक्सिस की जो वेलोसिटीज हैं वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में एज इट इज रहेंगी, चेंजेस नहीं करेंगी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए। नॉर्मल एक्सिस की वेलोसिटीज बदल जाती हैं और नॉर्मल एक्सिस के लिए इक्वेशंस वैसे ही बनती हैं जैसे कि हेड ऑन कोलिजन में बनाई गई थी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम नॉर्मल एक्सिस की कंपोनेंट से बनाएंगे, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन भी हम नॉर्मल एक्सिस से ही बनाएंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूं तुम्हें, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत क्लासिकल क्वेश्चन भी है, क्लासिकल मतलब रिपीटेड है, मतलब मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो इनका ये कहना है कि मतलब दो ऑब्जेक्ट ही, मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखा रहे हैं अभी आपको, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी, तीन है ए बी सी। तो बी और सी रेस्ट पे है और जो ऑब्जेक्ट नंबर ए है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है वी वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट नंबर ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी है, वी नॉट कुछ,
और ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी के जो सेंटर्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आपको मेंशन किया गया है, ये डिस्टेंस दे रखा है डी, और इन सब का रेडियस आर के बराबर है सबकी, मतलब सब तीनों के रेडियस आर है, और ये दिया है कि डी मोर देन 2R है, दैट मींस कि बी और सी कॉन्टेक्ट में नहीं है, डी की वैल्यू 2R से ज्यादा है, कॉन्टेक्ट में नहीं है, और ऑब्जेक्ट नंबर ए जो है वो मोशन में है, ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है और ये साइमल्टेनियसली बी और सी से कोलाइड करता है, मतलब ए कोलाइड्स बी एंड सी एट द सेम टाइम। अब ऑब्वियसली कोलिजन के बाद की वेलोसिटी पूछी जाएगी कि व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। जो कोलिजन के रूल्स हैं उस रूल्स को फॉलो कर लो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन ना एक्चुअली मेरे को नंबर नहीं याद है, बट ये क्वेश्चन क्लासिक है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बट ये ओरिजिनली है एरोडो का ही। अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर तो नहीं ध्यान है इस समय, बट एरोडो का ही क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मतलब इसको लेकर के लोग टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन बनाते हैं, जेई वाले भी बनाते हैं, मेंस वाले भी बनाते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी करके इसको ट्विस्ट करके अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते रहते हैं। तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको कोलिजन के टाइम, मतलब इसमें दो फिगर्स बनाएंगे हम, देखो दो फिगर, एक कोलिजन से जस्ट पहले, एक फिगर आपको दिखा रहे हैं जिसमें कोलिजन से जस्ट पहले, यानी कि जब ए वाले ने बी और सी को टच किया होगा, ए वाले ने बी और सी को टच किया होगा जस्ट बिफोर कोलिजन, और एक फिगर आपको दिखाएंगे यहां पर जिन्होंने कोलिजन के जस्ट बाद की, एक जस्ट बिफोर कोलिजन की फिगर देखेंगे और एक जस्ट आफ्टर कोलिजन की फिगर। तो थोड़ा ध्यान देना क्योंकि फिगर्स बिल्कुल आसपास बन रही हैं। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, पहला काम क्या करोगे, ये भी ऑब्लिक कोलिजन है तो हम क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट ए बी और ऑब्जेक्ट सी, ध्यान देना, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाओ जो ए और बी के सेंटर से जाती हो, ए और बी के सेंटर से पास होती हो, तो ये आपके लिए नॉर्मल लाइन हो गई, दिस इज अ कॉमन नॉर्मल फॉर ए एंड बी। और इसको नॉर्मल को हमने पीछे कहा था कि ये लाइन ऑफ इंपैक्ट भी है, नॉर्मल मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट, यानी फोर्सेस के लगने की डायरेक्शंस, इंपैक्ट यानी इंपल्स एक्ट होने की डायरेक्शन, मोमेंटम के चेंज होने की डायरेक्शन, कुछ भी बोलो इसको। और ऐसे ही आपका ए और सी के बीच में भी होगा, ऐसे ही ए और सी के बीच में भी होगा सिमेट्रिकली। तो एक और लाइन बना सकते हो आप इधर की तरफ जो ए और सी के बीच में है नॉर्मल। अब इसका फिजिकल मतलब क्या होगा, फिजिकल मतलब देखो नॉर्मल का, तो फिजिकल मतलब ये है कि जब कोलिजन होगा और साइमल्टेनियस हुआ है तो ए और बी एक दूसरे के ऊपर ना फोर्सेस एग्जर्ट करेंगे, यहां पर इसको हम कैपिटल एफ मान लेते हैं और इसको भी कैपिटल एफ मान लेते हैं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होगा, दोनों एक दूसरे पर बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एफ लगाएंगे और फोर्स एफ लगाएंगे साइमल्टेनियसली। और बी और सी भी आपस में फोर्स लगाएंगे, और क्योंकि ये परफेक्ट सिमेट्रिकल कंडीशन है, सब कुछ सिमेट्री के हिसाब से चल रहा है, तो जो फोर्स ए और बी आपस में एक दूसरे पर लगाएंगे एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ए और सी भी आपस में लगाएंगे, ये भी आपस में सेम फोर्स एग्जैक्ट करने चाहिए, एफ और एफ मान लेते हैं इसको, यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी सर। लर्निंग करिएगा, फिर बोलो लर्निंग करोगे तो बच्चा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा तो भी कर ले जाओगे, अगर फंडामेंटल लाइन पे चल रहे हो अपनी। कोलिजन के न्यूमेरिकल्स में जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगे, मतलब जब कॉम्प्लिकेटेड, तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में ये आना चाहिए, फर्स्ट थॉट, कि कौन सी डायरेक्शन है जहां पर ये दोनों बॉडी आपस में फोर्स लगाने वाली है, यानी कि कौन सी वो डायरेक्शन है जहां पर मोमेंटम चेंज होने वाला है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब
ऑब्जेक्ट बी रेस्ट पे था। तो हमने एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी आपको बताई हुई है। देखो चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में कहा जाता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर हम सिंपल से तरीका ये भी लगा सकते हैं, काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है वी इक्वल टू यू प्लस एटी, आप ये भी लगा सकते हो, वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का यू और ए को रिप्लेस कर दो, ए को रिप्लेस करके आप फोर्स अपॉन मास कर दो, तो क्या ये नहीं कह सकते कि किसी, अगर किसी ऑब्जेक्ट में यू की वैल्यू जीरो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में यू की वैल्यू जीरो है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन पर रहेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ, जिस अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही रुका हुआ है रेस्ट पे है तो नेचुरल सी बात है कि जिस तरफ उस पर फोर्स लगेगी वो उसी डायरेक्शन में अपना मोशन स्टार्ट करेगा। जी सर। तो इसका मतलब कोलिजन के बाद बी वाला ऑब्जेक्ट इस नॉर्मल डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि उसमें पहले से रेस्ट पे था और फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लग रही। सी वाला ऑब्जेक्ट भी नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा। मतलब देखो वो तो ठीक है, आप फिर देखो, यानी आप मेरा ना वर्किंग पकड़ने की कोशिश करो कि हम लोग पहला काम क्या कर रहे हैं कोलिजन में, हम डायरेक्ट इक्वेशंस में नहीं जाते, हम पहले क्वेश्चन को ये एनालाइज करते हैं कि कौन सी बॉडी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको एनालिसिस करके देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करके देखना पड़ता है, फोर्सेस को समझ करके देखना पड़ता है, बाद में इक्वेशंस बनाओगे आप। पहले तो ये चेक करो कि बॉडी बी किधर जाएगी, बॉडी सी किधर जाएगी, ए किधर जाएगा, बॉडी ए किस तरफ आएगी। पीछे कोई जरूरी है क्या बॉडी ए के लिए यू जीरो है? क्या बॉडी ए कोलिजन रेस्ट नहीं है ना? तो बॉडी ए पर अगर हम बॉडी ए की बात करें तो बॉडी ए के लिए यू राइट साइड है, और उसपे फोर्स किधर लग रहा है? रिजल्टेंट फोर्स कॉमन नॉर्मल के अलोंग, नहीं कॉमन नॉर्मल के, तो दो फोर्स लग रहे ना, दो फोर्स लग रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, क्योंकि ए पर दो फोर्स लग रहे हैं, बी और सी पर सिंगल सिंगल फोर्स है लेकिन ए पर दो फोर्स है, तो कुल मिलाकर के ये फोर्स लेफ्ट साइड हो गई। जी सर। तो अब हमको कैसे पता कि ओवरऑल जीरो आएगा? हो सकता है राइट साइड वाले वेक्टर बड़ा हो, लेफ्ट साइड वाला वेक्टर छोटा हो, हो सकता है लेफ्ट वाला वेक्टर बड़ा हो राइट वाला छोटा हो, या हो सकता है दोनों वेक्टर बराबर हो। तो यानी आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि बॉडी ए पीछे ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है पीछे चली जाए, हो सकता है आगे ही चलती रहे, और ये भी हो सकता है कि बॉडी ए स्टॉप हो जाए। तीनों चीजें बन सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉडी, बट ये तो कंफर्म है कि वो रहेगा हॉरिजेंटल ही, ये कंफर्म है कि बॉडी ए का मोशन हॉरिजेंटल ही रहेगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल है और उस पर लगने वाले दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट भी हॉरिजेंटल है। तो दो हॉरिजेंटल वेक्टर्स का समेशन करेंगे तो बाद में भी हॉरिजेंटल वेक्टर आएगा, यानी ये तो 100% श्योर है कि वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही रहेगा, राइट या लेफ्ट ये कंफ्यूजन है। तो माता रानी का नाम लो भैया और इसमें आप स्टार्ट कर दो कि ये राइट साइड चल रहा है। अगर पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, गलत नेगेटिव आया तो रिवर्स कर देंगे, ये कंसेप्ट लगाओ। तो हम क्या करने जा रहे हैं, बॉडी ए के लिए एक वेलोसिटी मानेंगे वी ए, बॉडी बी की वेलोसिटी मानेंगे वी बी, और बॉडी सी की वेलोसिटी मानेंगे वी सी। बट एक्चुअली वी बी और वी सी सिमेट्री के हिसाब से बराबर होंगे, बी और सी में आइडेंटिकल सिचुएशन है तो वी बी और वी सी बराबर हो जाएंगे। बोलो यहां तक की वर्किंग समझ में आई हो तो बढ़े, क्योंकि अभी हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाई है, ध्यान देना। जी सर। अभी हाँ, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज किया है मैंने कि क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, और यही तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मोमेंटम के क्वेश्चन में और आज के आगे जो चैप्टर आने वाला है उसमें भी। पहले आप अच्छी तरीके से ये एनालाइज कर लो, ये श्योर हो जाओ कि कौन सी बॉडी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इक्वेशन मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले आप एनालिसिस करो कि कौन सी बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी। अब इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन है कि वी बी और वी सी का रिजल्टेंट क्या आएगा या वी ए कितना आएगा, तो ये तो इक्वेशन का पार्ट है। पहले ये एक डिफरेंस, एक बीच में डिफरेंस लाओ, मोशन की डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से आती है, उनकी वैल्यूज वो आपके इक्वेशन से आएंगी, मैथ, वो मैथ वाला पोर्शन हो गया। अब उसके लिए बता रहे हैं आपको ना क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। तो
कोलिजन है तो, बट ऑब्वियस है कि पहला चीज तो आपके माइंड में यही जाएगा यार कि मोमेंटम कंजर्व करा लें, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोलिजन का चैप्टर पढ़ते ही आपके माइंड में यही थॉट आता है कि मोमेंटम कंजर्व करो। सिस्टम क्या चूज करोगे मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए? तीनों बॉल्स को, तीनों को, तीनों को। तो हमने यहां पर सिस्टम डिफाइन किया, अपना सिस्टम डिफाइन किया हमने ए प्लस बी प्लस सी को, और फिर ये कह दिया कि मोमेंटम कंजर्व होगा। दो से नहीं करा सकते कंजर्व ए और बी को लेकर के? ये सब मन में डाउट आता है, क्यों नहीं करा सकते हैं? सर फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा ना, सी चेंज कर देगा। राइट, मतलब अगर आप ए और बी को सिस्टम लोगे, ए और बी को सिस्टम लोगे तो वो उनकी फोर्सेस तो इंटरनल हो जाएंगी। ए और बी को सिस्टम लोगे तो वो जो फोर्स लगा रहे वो तो इंटरनल हो गया, लेकिन जो बॉडी सी से फोर्स आ रही है ये एक्सटर्नल है। तो तरीका ये है कि हम तीनों को सिस्टम मान लें ताकि ये जो आपस में फोर्स लगा रहे ये सब इंटरनल फोर्सेस हो जाएं और हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाए, क्योंकि वही उसका कंसेप्ट है। तो अब लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। यार कितना मोमेंटम है कोलिजन से पहले, मोमेंटम कंजर्व कराएं तो कोलिजन से पहले, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू, और बिफोर में भी कितना बिफोर, मैंने आपको बार बार कहा है ये जस्ट बिफोर कोलिजन होना चाहिए हमेशा, एंड इट शुड बी मोमेंटम आफ्टर, वो भी जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर कोलिजन का मोमेंटम चेक करो, जस्ट बिफोर कोलिजन तो उसमें एक सिंगल मास है, हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ये सब आइडेंटिकल मासेस हैं, ये मान के चल रहे हैं। तो सिंगल मोमेंटम है जस्ट बिफोर कोलिजन, तो उसको लिखेंगे एम इंटू वी नॉट, और वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में था, डायरेक्शन ध्यान रखना होता है हॉरिजेंटल यानी आई कैप। अगर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से देखें, इधर एक्स मान लेते हैं इधर वाई मान लेते हैं, और बाद वाला मोमेंटम, तो बाद वाला मोमेंटम कोलिजन के बाद वाला, कोलिजन के बाद वाले में तो ए वाले का एम इंटू वी ए राइट साइड आई कैप, और क्या लिखेंगे भाई? एम वी बी आई प्लस जे, वी बी आई प्लस जे हो जाएगा। वी बी में देखो गलतियां करोगे, यहां पर बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम ये मान के सुनिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लाइन बनेगी इससे हम थीटा एंगल पर होंगे, मान के चलो कि ये एंगल थीटा है, तो VB का हॉरिजेंटल कंपोनेंट यूज करेंगे, तो एम वी बी कॉस थीटा, इसको ट्वाइस भी कर सकते हैं यहीं पर, क्योंकि VB और VC बराबर है सिमेट्री की वजह से। बोलो ये इक्वेशन समझ में आई आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन की? चलिए एक्चुअली दो ही अननोन है, तीन अननोन नहीं है, क्योंकि VB VC बराबर है सिमेट्री से, तो अननोन दो ही है, तो दो इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गया। अब एक इक्वेशन कौन से लगाएंगे यार, दूसरी इक्वेशन? तो दूसरी इक्वेशन आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लेकिन जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज करेंगे तो बहुत एक बार फिर से ध्यान दो, ये मॉडिफाई हो चुका है, मॉडिफाई ये हो चुका है कि रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। इसकी इसकी मॉडिफाइड होने के बाद इसमें नॉर्मल एक्सेस आती है, यही इसका एक्चुअल में इसका लॉ भी यही है, एक्चुअल लॉ इसका यही है, क्योंकि हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के प्रूफ नहीं किए हैं, प्रूफ हमारे सिलेबस के बाहर है, मतलब ये भी तो अपने आप में प्रूविंग है ना कि ये ऐसा क्यों आता है, तो वो न्यूटन की एक प्रूविंग है, उस प्रूविंग के अंदर ये उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि आप हमेशा नॉर्मल एक्सेस लेंगे। हेड ऑन में इसको मेंशन इसलिए नहीं किया गया था कि हेड ऑन में नॉर्मल एक्सेस ही हमारा कोलिजन की एक्सेस थी, तो ये लगाएंगे इक्वल्स टू ई, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ओनली फॉर अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तीनों के लिए नहीं होता ये, मतलब तीन बॉडीज के लिए साइमल्टेनियस नहीं बनता कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, किसी भी दो कोलाइडिंग बॉडी के लिए लगा सकते हो, चाहे उस समय कोई तीसरा कोलिजन भी हुआ हो। पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन सारे हटा रहा हूं आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सुनना, ऑब्जेक्ट ए साइमल्टेनियसली दो कोलिजन्स कर रहा है, बी से भी और सी से भी कर रहा है, मतलब कि एक बॉडी साइमल्टेनियसली दो दो कोलिजन्स कर रही है,
तो आप किसी एक कोलिजन पर फोकस करो, या तो ए और बी के कोलिजन पे फोकस करो या फिर ए और सी के कोलिजन पे फोकस करो, और किसी भी एक कोलिजन को लेकर के रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाओ। फिर भले ही वो दोनों वैल्यू सेम हाँ, ये फॉर ए एंड बी, ये स्टेटमेंट सुन लेना ध्यान से, क्योंकि ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ ना अभी तो आपको ये करा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स में ये कहा जाता है कि कोई एक रॉड है, दो पार्टिकल्स जा करके उस रॉड से कोलाइड कर गए। जिन लोगों ने रोटेशनल मैकेनिक्स पहले का पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा कि दो बॉडीज जा करके रॉड से साइमल्टेनियसली कोलाइड हो गई, तो इसका ओमेगा कितना होगा और ये सब चीजें। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो जनरलाइज में मैं बोल रहा हूँ, आगे को ध्यान में रख करके बोल रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी साइमल्टेनियसली दो तीन चार कितने भी कोलिजन कर ले, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जब लिखने का टाइम आएगा तो आप किसी एक स्पेसिफिक कोलिजन पर जाएंगे, किसी एक स्पेसिफिक कोलिजन को कंसिडर करना होता है, और उस स्पेसिफिक कोलिजन में जो दो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं उनकी वेलोसिटी को यूज करेंगे, वो भी नॉर्मल एक्सिस के अलोंग। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने ए और बी को चूज किया। अब रेस्टिट्यूशन ई मान लेते हैं इक्वल टू कोलिजन के बाद, तो कोलिजन के बाद उनका वेलोसिटी हमारे सामने है, डायरेक्शन हमारे सामने है और नॉर्मल लाइन भी हमारे सामने है। हमको पता है कि नॉर्मल लाइन ये है जो ग्रीन ग्रीन कलर से लाइन बना रहा हूं, ये नॉर्मल है। तो उस नॉर्मल लाइन के अलोंग बॉडी बी में क्या वेलोसिटी है, इस नॉर्मल लाइन के अलोंग बॉडी बी की वेलोसिटी, तो बॉडी बी की वेलोसिटी वी बी वो तो ऑलरेडी नॉर्मल लाइन पर है, तो यहां पर हम यूज करेंगे वी बी, और रिलेटिव निकालने के लिए माइनस। अब जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी नॉर्मल पर नहीं है, उसकी वेलोसिटी नॉर्मल से थीटा एंगल पर है, तो इस वी ए का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट, वी ए का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट करूं, यानी कि वी ए कॉस थीटा। मतलब रिलेटिव निकालते समय ध्यान रखना है कि नॉर्मल एक्सिस के जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आएंगे उनको यूज करना है मेरे को, टोटल वेलोसिटी नहीं यूज करनी, डिवाइडेड बाय कोलिजन से पहले। तो कोलिजन से पहले नॉर्मल एक्सिस की तरफ, एक बार फिर यहां पर बनाकर दिखाते हैं आपको ग्रीन कलर से नॉर्मल एक्सिस। तो कोलिजन से पहले इस नॉर्मल एक्सिस पर से थीटा एंगल पर ए चल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी का नॉर्मल लाइन पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी नॉट कॉस थीटा, और बाकी दोनों रेस्ट पे थे, बाकी दोनों रेस्ट पे थे। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। सर हाँ जी सर, इसमें हम लोगों ने जैसे एबीसी को सिस्टम माना है, तो हम लोग जो रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन है वो नॉर्मल के अलोंग लिखना है, मोमेंटम नॉर्मल के अलोंग लिखे ना लिखे वो भी जरूरी है, वो जरूरी नहीं है? देखिए मोमेंटम, सुनिए मोमेंटम कंजर्वेशन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, थियोरिटिकली क्लियर कर दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल तो बाद में होते रहेंगे। पहला नंबर का पॉइंट आप सुन लो, जो जनरलाइज है और न्यूटन का लॉ है, नंबर वन, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एट अ टाइम डिफाइंड फॉर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें तीन बॉडीज एक साथ कभी नहीं आएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आप लिखोगे ना, फॉर दैट यू कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ अ पार्टिकल इन योर सिस्टम, यू कैन टेक टू पार्टिकल्स, यू कैन टेक थ्री पार्टिकल्स, यू कैन टेक फोर पार्टिकल्स, बट टेक दैट मच नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर विच द एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स जीरो, देन ओनली द मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। डायरेक्शन भी हम चूज कर सकते हैं, मतलब जहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। सुनो तो मेरी स्टेटमेंट सुनो, तो मेरा स्टेटमेंट पूरा होने दो। मैं कह रहा हूँ कि मैं उतने पार्टिकल सिस्टम में चूज कर लूंगा जितने, जिससे कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया। अब जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो आप किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा लीजिए। यस सर, क्योंकि हमने सिस्टम जो चूज करना होता है, स्टूडेंट्स समझते नहीं है ना, देखो, या जैसे आपको डाउट आ रहा है, च्वाइस ऑफ सिस्टम ही तो सारा गेम है यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब आपका सिस्टम चूज करने का जो लॉजिक होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि आपका एक्सटर्नल फोर्स कहीं भी ना लगे, किसी भी डायरेक्शन में ना लगे, तो आप फ्री हो गए। आप एक्स एक्सिस पर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, वाई एक्सिस पे करा सकते हो, जेड एक्सिस पे करा सकते हो।
मतलब सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो लर्निंग है इस कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन में। और इसीलिए मैंने इसको बोला था कि ये क्लासिकल क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए और अपने मतलब कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है। एक ये एचसीवी वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये दो बॉडीज के ऑब्लिक कोलिजन का है और ये एरडो का तीन बॉडीज का है। बट ये एक मिनट मैं स्टेटमेंट बस पूरा कर दूं भैया, आप लोग ये स्टेटमेंट लिख लेना कहीं पर, क्योंकि यही चीज रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज करेंगे। जब वहां पर कोलिजन पढ़ाया जाता है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप स्टूडेंट्स का फीडबैक लो, पुराने स्टूडेंट्स का, और आप खुद भी पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि रोटेशनल मैकेनिक्स से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कोलिजन वाले, वो जल्दी होते नहीं है सॉल्व। अगर माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे को स्टेप्स क्या करने हैं, थ्योरी क्लियर हो गई है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पूछो क्या पूछ रहे थे बच्चे। सर जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, इसमें एक तरफ तो थीटा पॉजिटिव साइड से बन रहा है एक्स एक्सिस के, और दूसरा सर माइनस थीटा होगा, तो सर ऐड क्यों किया? कहां माइनस बन रहा है सर? वही उसी वाले पेज पे सर, ये देखिए सी बॉल वाला जो है। अरे भैया तो कॉस है यार, कॉस के आगे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, कॉस थीटा तो पॉजिटिव ही आएगा ना। कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो सेम ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेस्टिट्यूशन है, मैं ये बोल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैं कह दूं, जैसे आप कह दो कि चार चार ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चार ऑब्जेक्ट, वो चारों आ करके और सेंटर पर एक साथ भिड़ गए, चार चार बॉडी एक साथ कोलाइड कर गई, तो आप रेस्टिट्यूशन किसके बीच में लगाओगे? चार बॉडी एक साथ कोलाइड हुई तो या तो आप ए और बी को चूज कर लो, या ए और डी को चूज कर लो, या डी और सी को चूज कर लो, या सी और बी को चूज करो। ये मैं बोल रहा हूं आपसे। ऐसा भी तो हो सकता है कि चार पार्टिकल एक साथ कोलाइड करें, पांच पार्टिकल एक साथ कोलाइड करें, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। है कि नहीं पॉसिबल ये चीज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कोलाइडिंग से? आए दिन रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, पांच पांच गाड़ियां एक साथ बढ़ जाती हैं, तो पॉसिबल तो लाइफ में कुछ भी भाई। तो ये क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन हम उनमें से कोई भी दो बॉडी को चूज करेंगे, और उसमें जो वेलोसिटी यूज करेंगे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, वो नॉर्मल एक्सिस के अलोंग यूज करेंगे, और मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये आपका कंसेप्ट हो गया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं सिस्टम में दो पार्टिकल्स को रखूं या तीन पार्टिकल्स को रखूं या चार पार्टिकल्स को रखूं, ताकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, और तभी आप मोमेंटम कंजर्व करा ही पाओगे, क्योंकि अदरवाइज तो मोमेंटम कंजर्व होता भी नहीं है। एनीवे, तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई यार, बोले अब है ना, अब सॉल्व करना होगा आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये सिंपल कर देते हैं कि लेट ई इक्वल टू वन है, इलास्टिक कोलिजन मान लेते हैं इसको, ई इक्वल टू वन, तो एटलीस्ट एक ई की वैल्यू वन मान के चलते हैं और फिर देखेंगे क्या होगा। अब ना बाकी थीटा निकालने के लिए डी और आर का यूज होगा, थीटा निकालने के लिए आपको डी और आर यूज करना पड़ेगा, तो ये ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है इसमें। क्या करोगे, जस्ट बिफोर कोलिजन बी का सेंटर और सी के सेंटर को जब मिलाएंगे, बी और सी के सेंटर्स को मिला दो, तो ये डिस्टेंस तुमको डी दे रखा है। एक्चुअली एक ट्रायंगल बन जाएगा यहां पर, अगर आप समझ पाओ तो ये पूरा डिस्टेंस डी है और इधर ये टू आर डिस्टेंस बनेगा मेरे ख्याल से, अगर आप समझ पा रहे कि टू आर क्यों बन रहा। वो दोनों जब डिस्क टच कर जाएंगे तो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस टू आर नहीं आ जाएगा, है ना, और इनके बीच में ये थीटा एंगल बन रहा, इनके बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है, तो आगे निकाला जा सकता है थीटा वगैरह, इसको छोड़ दे रहे हैं, मतलब वो ट्रायंगल से थीटा की वैल्यू, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज निकाल ली इसने, ठीक है। चलिए तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ इसकी वर्किंग को, आप कैलकुलेट कर लेना इससे। हाँ सर, एक छोटा सा डाउट बता दिए सर, ये जो फोर्सेस को हम लोग खाली सा इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन पार्टिकल के डायरेक्शन क्या होगी मोशन की, राइट राइट, और वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। ओके सर, उनका कोई इक्वेशन में कोई यूज नहीं है, लेकिन
नहीं, क्योंकि जब डायरेक्शन आप ऑब्जर्व करेंगे तभी तो आप इक्वेशन में उनको रिजोल्व कर पाएंगे ना. आप कैसे रिजोल्व करोगे? आपको जब डायरेक्ट किसी वेक्टर का डायरेक्शन पता ही नहीं होगा तो आप कंपोनेंट कैसे करेंगे उसकी? हाँ सर, ओके. हम लोग गलती क्या करते हैं ना, मतलब मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं क्वेश्चन करते समय, वो सीधा सीधा इक्वेशन पे कूदते हैं. बस फंस गए. पहली इक्वेशन बना भी ली तो फिर फंस गए कि अब क्या करें यार. मैं कह रहा हूँ कि पहले आगे बढ़ने से पहले ना पूरा एनालाइज कर लो इसको और फिर आगे बढ़ो. एक और दिखा देते हैं तुम्हें क्वेश्चन, एक और एग्जांपल दिखाते हैं. देखो एक और जस्ट आपके क्लैरिटी के लिए दिखाते हैं. देखिए आप क्या करना है. देखो मतलब एक्चुअली आज कोलिजन का हमारा ये था पर्पस कि आज कोलिजन का जो एक्सट्रीम लेवल भी है वो भी कर लिया जाए. हालांकि एक्सट्रीम लेवल की कोई एंड नहीं है, अभी और भी है, बट अब इसको यहीं पर क्लोज करें. हाँ सर, अगर दो बॉल्स नीचे प्लेस हो फ्लोर और फिर ऊपर से बॉल गिरे तो? रुक जाओ एक मिनट. जैसे यहाँ पर क्या है कि मान लो ये तीन बॉडीज हैं, ये तीनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. मतलब कि एक सेकंड, जैसे कि इन तीनों बॉल्स को जब मिलाया गया तो इन तीनों बॉल्स के सेंटर मिलाने पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है. तीनों के सेंटर्स को मिलाओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना. और हमने क्या किया है, तीनों को वेलोसिटी दिया है सेंटर सेंट्रोइड की तरफ. तीनों की वेलोसिटी सेंट्रोइड की तरफ है, तो क्या ये आके कोलाइड करेंगे? नहीं करेंगे, बताओ. तीनों वेलोसिटी सेंट्रोइड की तरफ है और सब आइडेंटिकल वेलोसिटीज हैं वी नॉट, तो क्या ये तीनों नहीं फिर गलती कर रहे हो. बिना एनालिसिस किए कैसे बोल सकते हो कि आंसर रेस्ट पे आएंगे? बच्चा इस आदत से बाहर आ जाओ. फिर बोल रहा हूँ, ये जो झट से बोलने वाली आदत है ना कि बस क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा. चलिए ये है, ये बिफोर कोलिजन है. और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इसमें ई है फॉर एनी टू. ये हमेशा दो के लिए ही होगा, तब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी निकालने के लिए यही गड़बड़ करेंगे हम लोग, जानते हो. यही चीज हमारी मिस्टेक है जो हम लोग को प्रॉब्लम कर रही है. मतलब हम लोग कितनी भी थ्योरी पढ़ा लेते हैं लेकिन फिर भी वो न्यूमेरिकल ना होने का रीजन यही है यार, कंसेप्ट तो सीखा ही नहीं हमने. आप बताओगे इसमें ये तीनों बॉडीज फोर्स कैसे लगाएंगे? जिस टाइम ये कोलाइड होंगे उस समय कैसे फोर्स लगाएंगे? जब ये तीनों एक दूसरे के टच में आ गए, तीनों कोलाइड हो गए, अब फोर्स कैसे लगाएंगे बताओ? सेंटर क्या लो? तो नॉर्मल लगाएंगे ना ये? यस सर. ये सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं. ध्यान से देखना फोर्सेस कितने कितने लग रहे हैं. तीनों एक साथ कोलाइड हुए तो सबके बीच फोर्स लगेगी. ये है फोर्सेस की डायरेक्शन. इस स्टेप को इम्पोर्टेंस दो भाई मेरे, इस स्टेप को इम्पोर्टेंस न देना मतलब क्वेश्चन गलत होना. डर बैठेगा मन में, ये लगा दिया और सिमेट्रिकली ये सब बराबर होंगे. तो ये स्टेटस है ड्यूरिंग इंपैक्ट, ड्यूरिंग कोलिजन ऐसे फोर्सेस लग रही हैं. अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये फोर्सेस को देख करके ये एनालिसिस करनी है कि कौन बॉडी किधर जाएगी, कौन सी बॉडी अब किधर जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी. और तुमको बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है कि ये कैसे देखा जा सकता है कि फाइनल वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी. आप सिंपली ये देखो, v इक्वल टू u प्लस at वाला कंसेप्ट, इनिशियल वेलोसिटी और प्लस f अपॉन m इनटू t. इससे आसान तरीका क्या बताऊं आपको, आप उसके इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो और फोर्स की डायरेक्शन देखो. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट नंबर वन की बात करते हैं. ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री. ऑब्जेक्ट नंबर वन की इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उस पे दो फोर्स एक साथ लगी हैं जिनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? अपवर्ड. तो इसका मतलब ये दोनों सेम लाइन पे है ना, लाइन तो एक ही है, भले नीचे ऊपर है तो क्या हुआ, लाइन तो वर्टिकल ही है ना. इसका मतलब बॉडी ए या तो नीचे आएगी या ऊपर जाएगी. मान लेते हैं ऊपर जा रही है आपकी, ये तो एटलीस्ट श्योर हो जाओगे कि लाइन कौन सी होगी चलने की. ये बॉडी वन के लिए. बॉडी टू के लिए सोचो जरा, बॉडी टू की इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन
तो बॉडी टू की इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल पर है ऐसे, और उस पे जो दो फोर्स लग रहे हैं फिगर में, आप देखो कि इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा, ये इन दोनों फोर्सेस का जो बॉडी इसी के अपोजिट नहीं आ जाएगा? यस सर। तो इसका मतलब लाइन तो चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी वापस आएगा, और सिमेट्री के हिसाब से उतनी ही स्पीड से वापस आएगा, और ये भी वापस आ जाएगा कुछ वी स्पीड से, तीनों का सिमेट्री हो गया। यहीं पर मैं इनके सेंटर्स को मिलाता भी हूं ताकि मेरे को वो नॉर्मल लाइन भी बने, सेंटर्स को मिला देते हैं, सेंटर्स को मिला करके आपको नॉर्मल लाइन बनेगी। अब पहली बात, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी में है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन आ गया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में। तो E इक्वल टू किसी भी दो को चूज कर लो, मैं वन एंड टू को चूज कर रहा हूं। ग्रीन कलर की लाइन जो मैंने बनाई है वो नॉर्मल है, ये जो ग्रीन कलर से लाइन बना रहे ये नॉर्मल है, चेक करो इस नॉर्मल के अलोंग कितने कितने कंपोनेंट्स आएंगे इनके, कितना एंगल बनाएंगे इनकी वेलोसिटी नॉर्मल लाइन से। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको देख चेक कर लेना, ये एंगल 30 डिग्रीज बनेंगे, तो V cos 30, और क्योंकि अगर आप नोटिस कर पाओ तो V का कंपोनेंट जब नॉर्मल लाइन पे लाओगे ना, V का कंपोनेंट नॉर्मल लाइन पे, तो इधर V cos 30 आएगा और दूसरे वाले V का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में V cos 30 आएगा, और जब रिलेटिव निकालेंगे दोनों बॉडीज के बीच में, क्योंकि ये अपोजिट साइड पे चल रहे हैं, तो ये V रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये बात समझ में आई कि रिलेटिव के लिए डबल क्यों कर दिया उसको? Yes. अब नीचे कोलिजन से पहले वाला बताओ, कोलिजन से पहले, तो कोलिजन से पहले भी आप नॉर्मल दिखाओ, दोनों के सेंटर्स को मिला करके नॉर्मल दिखा लो, चेक कर लो उस नॉर्मल के अलावा क्या कंपोनेंट्स आएगा। अभी भी ये 30-30 डिग्री पे है, बट यहां पर वी नॉट आएगा, और इसमें भी डबल होगा क्योंकि इस बार टुवर्ड्स ईच अदर है, कोलिजन से पहले वो एक दूसरे की तरफ है, कोलिजन के बाद एक दूसरे से दूर जा रहे। ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन। और कोई इक्वेशन बना पाएंगे? बोले जी सर, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम ऑलरेडी कंजर्व है, ध्यान से देखो, मोमेंटम तो पहले ही कंजर्व है क्योंकि पहले तीन वेक्टर बने हैं, ध्यान देखो, थ्री वेक्टर्स है मोमेंटम के, तो अगर आप मोमेंटम का बात करोगे ना, तो मोमेंटम पहले वाले में ड्रॉ करके दिखाता हूं, इस तरीके से तीन मोमेंटम तीन डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तीन मोमेंटम, इधर आप एम वी नॉट दिखा दोगे, इधर एम वी नॉट, ये मोमेंटम्स का डायग्राम दिखा रहा हूं, मोमेंटम का डायग्राम, और कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद भी तीन मोमेंटम्स हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे। ये एक वेक्टर का रूल होता है कि अगर आइडेंटिकल वेक्टर्स हों और 120 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से लग रहे हों, क्या रिजल्टेंट आता है इनका, अगर ये तीनों वेक्टर्स ऐसे लगे हों 120 डिग्री के एंगल पर है ये सब एक दूसरे से, रिजल्टेंट वैसे भी जीरो आ जाएगा। तो नेट मोमेंटम तो पहले ही जीरो है, बाद में भी जीरो है, तो वो तो वैसे ही कंजर्व है, मतलब उससे कोई इक्वेशन नहीं बन रही आपकी, कोई इक्वेशन नहीं बन पाएगी, मैं जीरो इक्वल टू जीरो की इक्वेशन बनेगी, दैट मीन्स, और जरूरत क्या है आपको, एक ही तो अननोन है वी, मोमेंटम की जरूरत क्यों है मेरे को, अननोन कितने हमारे पास, एक ही है, तो एक तो आ गया ना रेस्टिट्यूशन से। जी सर, समझिएगा, आप सोचो मतलब फिजिक्स किस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर रही है, जो लॉज है अपने आप को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स अपने आप को इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से इक्वेशन बनेगी ही नहीं आपकी, आप कर लगो, मतलब कितना साइंटिस्टों के बारे में सोचो, कितना दिमाग लगा करके उन लोगों ने ये सब को डिस्कस किया होगा, लॉज बनाए होंगे अपने और फिर उसको प्रेजेंट किया होगा, कि सिचुएशन बदलने से उनके कंसेप्ट नहीं हिलने वाले, लॉज नहीं बदलने वाले आपके, यार वहां पर ये किया अब यहां पर ये करेंगे ना, एक बार जो बोल दिया गया वही चीज लगाओगे चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए कहा जाता है भाई सबसे मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स,
आप केमिस्ट्री में भी आज पढ़ो, दो दिन बाद बदल जाएगा वही चीज, एक्सेप्शन के नाम से बदल जाएगी, है ना। फिर आप उस पर उस काम करोगे, फिर कोई नया रूल आ जाता है। हम लोग क्या नहीं है ना, हम लोग यहाँ तो एक बार जो डिस्कस कर दिया, एक बार जो बोल दिया कभी, अब वो नहीं बदलेगा। इसीलिए इसको ये सब्जेक्ट लर्न करना ज्यादा इजी है। दर्द थोड़ा सा पेन होता है, मतलब स्टार्टिंग में पेन होता है, समझने का पेन होता है इसमें, कि समझ नहीं आता जल्दी से, ये मानता हूँ मैं, एक्सेप्ट करता हूँ कि जल्दी आपको माइंड में घुसेगा नहीं ये सब कुछ। जैसे मैथ केमिस्ट्री क्या होती है, वो जल्दी दिमाग में चली जाती है, ऐसा लगता है, जाती वो भी नहीं है, बट पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मैथ आ गई है, पढ़ते वक्त लगेगा आपको केमिस्ट्री भी आ गई है, और पढ़ते वक्त फिजिक्स में ही ऐसा लगेगा यार साला कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। तो ये मैं मानता हूँ कि समझने का पेन होता है इसमें, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया और रूल्स आपके दिमाग में बैठ गए, फिर क्वेश्चन करते वक्त जो चीज इसमें आएगी वो उन दो सब्जेक्ट्स में भी नहीं आएगी। इसको करना है, मैं इसीलिए तुमको थ्योरी पॉइंट्स के साथ चल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन भले चाहे जैसे भी हो, आपके अलग अलग क्वेश्चन हो। अब इसी में अभी उन्होंने एक डाउट कहा था कि नीचे के दोनों बॉल्स जमीन पर रखी हैं, ये तो क्वेश्चन कह रहे थे आप। यस सर। मैं ऐसे ही बता दो तुम क्या होगा यार, अगर आप वाकई में कंसेप्ट समझते हो तो आप अपने आप बताओ क्या होगा, क्योंकि देखो फिर मेरे से कहोगे कि सर अच्छा इस डायरेक्शन में मूव नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे कहोगे सर ये नहीं ये होगा तो क्या होगा। देखो इसका कोई अंत नहीं है, ये एंडलेस है, जो आपके डाउट्स हैं या ये है एंडलेस है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, मान लो ये दोनों बॉडी फ्लोर पे रखी है, जैसा कि आप कह रहे हो कि ये फ्लोर पे रखी हुई है, ऊपर से कोई बॉडी गिरी, ठीक है, तो क्या मेरे इलस्ट्रेशन पे देखा करो यार, मैं इलस्ट्रेशन वही चूज करता हूँ जो तुम्हें हेल्प करे। क्या कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि दो बॉडीज रुकी हुई थी और एक बॉडी आके कलाइड कर गई? Yes. तो मैं अच्छा फिर इसमें लेकिन क्या होगा, ये दोनों रेस्ट पे है मान लेते हैं, इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3। आप अगर मेरा स्टेटमेंट ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो और स्किप नहीं कर रहे हो उसको, क्योंकि हम लोग तो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं यार कि जितना मर्जी बोल दें, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि हम भी अपने टाइम पर ऐसे ही करते थे, मतलब जब स्टूडेंट्स होते हैं तो हम लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, हमें रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, रिवीजन के नाम पर हम फिर क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि अभी हमें पॉइंट्स ही समझ में नहीं आए कायदे से। एनीवे ये तीनों कोलाइड कर गए, तो ये डायग्राम जस्ट बिफोर कोलिजन है, ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन है, अभी कोलिजन के बाद का नहीं है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। मेरा पहला स्टेटमेंट क्या दिया था मैंने आपको, कि सबसे पहले ये एनालाइज करो कि फोर्स कौन कहाँ लगा रहा है, तो ये बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, लगाएंगे ना ये फोर्स एक दूसरे पे। Yes, sir. इसके अलावा क्योंकि जमीन पे रखे हैं ना, तो जमीन भी लगाएगा फोर्स। देखो बच्चा एक चीज बताएं, अब इसमें भी ना लोचा है, क्या कोलिजन से पहले नॉर्मल नहीं लग रहा था? कोलिजन से पहले क्या नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा था? यहाँ पर एन नहीं था, रहा होगा बिल्कुल रहा होगा, नहीं तो इनके वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसका एमजी कहाँ से बैलेंस करोगे आप? तो कोलिजन से पहले भी नॉर्मल लग रहा था, ऐसा नहीं था, तो फिर कोलिजन के वक्त ये नॉर्मल जो दिखा रहे हैं, ये कौन सा नॉर्मल दिखा रहे हैं? ये एडिशनल नॉर्मल है, ये एडिशनल नॉर्मल किसकी वजह से आएगा जानते हो? किसकी वजह से आएगा ये एडिशनल नॉर्मल? इनके वजह से, जो वन फोर्स लगा रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ ये जो आपस में फोर्स दिखा रहे हो आप, इस फोर्स का क्या कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आ जाएगा? ये जो कैपिटल एफ दिखा रहे हो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ना एक, उसको बैलेंस करने के लिए आएगा। मतलब ये जो नॉर्मल दिखाए जा रहे हैं, ये एडिशनल नॉर्मल दिखा रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा है, पहले जो नॉर्मल लग रहा था वो तो था ही एमजी के बराबर,
तो ये तो एनालिसिस करोगे, बिकॉज भैया देखो इसके एनालिसिस के बगैर ना हम तो मैं मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं इसके अलावा आपको बता पाऊँ कि यार ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना, मतलब नहीं है मेरे पास मतलब। और अगर होगा भी तो मतलब वो एक तरीके से ब्लफ करने वाली बात होगी कि मैं अपना बस आप लोगों से पीछे छोड़ा लूँ कि चलो हो गया, सिलेबस भी हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया, मेरा काम खत्म। मैं ये वाली अप्रोच चाहिए तो फिर मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि सिर्फ सेलेक्ट नहीं होना ना, आगे बीटेक भी करना है, मान लो वहां पर भी ये सब काम आएगा। देखिए बॉडी नंबर वन के बारे में एनालाइज करो किधर जाएगी वो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को देखो और उस पर फोर्स को देखो, दो काम करने होते हैं आपको, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट ये है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी तुमको कि यू क्या था और एफ क्या था। इन दोनों को देख करके बताओ बॉडी वन किधर जाएगी, मतलब क्या मतलब क्या वो वर्टिकल के अलावा भी कहीं जा सकती है? वर्टिकल में नीचे ऊपर, वर्टिकल में नीचे ऊपर का प्रॉब्लम है, लेकिन रहेगा तो वर्टिकल ही, तो बॉडी वन को हम वर्टिकली ऊपर मान लेते हैं, कुछ वी वन मान लेते हैं। और बॉडी टू और बॉडी थ्री की बात करें तो इनके पास तो ये मजबूरी है कि ये चलेंगे हॉरिजेंटली और कहीं जा ही नहीं सकते, इसको कंस्ट्रेंट कोलिजन भी कहा जाता है, ये तो जमीन पर रखे हैं तो जमीन पर ही चलेंगे और कहां जाएंगे। इसको v2 और v3 मान ले, बट v3 बराबर v2 रहेगा सिमेट्री के हिसाब से। क्या इक्वेशन बनाएंगे अब? बताएं जी, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बना लो ना उसमें। अब डर है तो फिर नहीं बनेगा यार, डर होगा तो फिर नहीं बनेगा, लेकिन अगर डर नहीं है आपको पता है। देखिए मैं ई के नीचे लिख दे रहा हूँ, मैं वन वन कॉमा टू को ले रहा हूँ, मतलब रेस्टिट्यूशन वन और टू को लेके बना रहे हैं, वन और टू को। अपने थ्योरी पर अपने कंसेप्ट पर भरोसा रखो, वन और टू, तो वन और टू का नॉर्मल बनाओ पहले, अपनी थ्योरी पर ट्रस्ट करिए कि यार ये नॉर्मल बनाएंगे, जैसा हमको बताया गया हम वही काम करेंगे। और ये मैं नहीं बता रहा, ये न्यूटन का अपना लॉ है भाई, मैं भी कोई अपनी तरफ थोड़ी ड्राइव करके ला रहा हूँ इसको। जल्दी से कर लें इसको जरा। एक मिनट बच्चा, आवाज चली गई है। कितना एंगल बन रहा है V1 का नॉर्मल से? ये फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, 30 30 डिग्री। और V2 का कितना बनना नॉर्मल से? 60 होगा। अब ये पार्ट भी आपको ध्यान देना है, तो नॉर्मल के अलोंग जब रिलेटिव निकालोगे तो V1 cos 30 और यहाँ पर प्लस V2 cos 60 होगा। प्लस क्यों हुआ ये अभी आप सोचो, रिलेटिव के लिए मैंने बीच में प्लस का साइन क्यों लगा रखा है? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट है। और कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले तो एक ही बॉडी चल रही, वो भी V0 से 30 डिग्री एंगल पर, नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल पर चल रही थी वो, तो उसका कंपोनेंट V0 cos 30 कर देंगे। ये बन गई रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर ले, मोमेंटम कंजर्व कराएं, सिस्टम चूज करो आप। सिस्टम में आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों सिस्टम ले लो, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 सिस्टम है तो भी नहीं करा पाओगे मोमेंटम कंजर्व। जी सर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कौन सा आ रहा है इसमें? कुछ नहीं। अरे ग्राउंड का नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल है सर। सर लेकिन वो तो सर इंपल्स एप्रोक्सीमेशन से क्या हट जाएगा ना? अरे भैया ये अच्छा नहीं, नहीं सर, ठीक है ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉर्मल नहीं हटेगा, वो पहले वाला नॉर्मल था, तो ये वर्टिकल, तो एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन वर्टिकल है, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल में तो करा सकते हैं कंजर्व भाई, हॉरिजेंटल मोमेंटम तो आप कंजर्व करा सकते हो ना, वर्टिकल फोर्स से जाने दीजिए, हॉरिजेंटल में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जानते हो, हॉरिजेंटल मोमेंटम वैसे ही कंजर्व है, क्योंकि कोलिजन से पहले किसी के पास हॉरिजेंटल मोशन था नहीं, और कोलिजन के बाद जो दो बॉडीज हॉरिजेंटल चल रही है वो वैसे ही अपोजिट मोमेंटम से जा रही है। मतलब इतना अननोन क्या क्या है?
मतलब v1 v2 ही होंगे और क्या होगा, won't give any equation, conserve है लेकिन इससे equation नहीं बन पा रही कोई, 0 equal to 0 बन जा रहा है। And that means we need more information for this question. और जिन्होंने doubt पूछा है उनके पास मैं guarantee कह सकता हूँ कि उसके question में कोई और information जरूर रही होगी, मतलब कि v1 और v2 में से किसी एक की वैल्यू आपको मुझे बतानी पड़ेगी क्योंकि हम इक्वेशन बनाकर नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको। सर ऐसे ही पूछा था कहीं, देखा था अभी, क्वेश्चन नहीं था मतलब। नहीं ये है क्वेश्चन, लेकिन आप एक बार देखना जहां भी देखा होगा, गारंटीड बोल रहा हूँ आपको v1 और v2 में से कोई ना कोई एक रिलेशन 100% दिया होगा, क्योंकि हमको जितनी थ्योरी आती थी वो लगा दी, इससे नहीं हो रहा ये। चलो बच्चा लोग इतना ही रखे आज, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो गए दूसरी क्लास के लिए, तो गैप ले लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सर।